This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahapala. Once again, I have brought to you very essential news. Uh, you are supposed to watch my video till the end and uh, keep giving me your comments just like you have always given right from the word go today i'm going to discuss about district east uh, it's going to be the breaking news for rest of uh, those candidates uh, who have applied for pst or jest and their recruitment process is in progress at the moment so today i'm going to discuss about uh, some of the candidates of uh, jamshed town exactly at the same time uh, not only jamshed town's candidate but also आई एम गोन डिस्कस अबाउट गुलशन टाउन एज वेल आज का मौजूद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ में आपके लिए लाया हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपसे शेयर करना ज़रूरी होती हैं तो लिहाजा मेरी वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा डिस्ट्रिक ईस्ट में पी और जे की भर्तियाँ जो हैं वो जैसे कि आपको पता है कि टोटली मेरिट पे की जा रही हैं अगर देखा जाए तो मेरे बहुत से वीवर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ईट्स से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि वहाँ के जो डी साहब हैं जिनका नाम है यार मोहम्मद बालादी साहब उन्होंने इंसाफ के साथ भर्तियाँ की हैं और बग़ैर किसी पैनी के उन्होंने काम किया है कोई रिश्वत नहीं ली ईमानदारी के साथ सारे काम किए हैं और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जमशेद टाउन की आ उनको उनके राइट पर जो है वो जॉब्स दी हैं और मैं राहफ फला के प्लेटफॉर्म से आ उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा ख़ास तौर तो से आ जो डी ई ओ साहब हैं यार मोहम्मद बलादी साहब उन्होंने बहुत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं जमशेद टाउन के उनको जो है वो अपॉइंट किया है तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं ये बताना चाहूँगा ना कि पर्टिकुलरली ऐसे डी जो कि बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हों उनके साथ जो है वो पूरा ताउन भी होता है आवाम का पब्लिक का वीवर्स का और जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जिस पर यकीनन आप आज की वीडियो देखकर आपको ये पता चलेगा कि जब इंसान ईमानदारी के साथ काम करता है तो लोगों को तकलीफ़ होती है तो लिहाजा जिस टाउन में भी सीट्स होंगी पॉलिसी के हिसाब से उन्हीं टाउन के लोगों को सीट्स मिलनी चाहिए यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस टाउन में जो है वो सीट्स होंगी तो उसी टाउन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सीट्स मिलनी चाहिए और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स का पहले हक है उनका पहले राइट है उनको उनका हक मिलना चाहिए जमशेद टाउन में ज़्यादा सीट्स हैं लिहाज़ा ये जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स का कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये उनका ही हक है और फिर दूसरी जानब अगर हम बात करें गुलशन में सीट्स जो हैं वो कम हैं तादाद में इसमें डी ओ साहब का कोई कसूर नहीं है क्योंकि यकीन अगर सीट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स जो है वो सबसे पहले वहाँ के जमशेद टाउन के वहाँ मौजूद हैं तो उनका पहला हक बनता है बाद में फिर गुलशन टाउन वालों का हक बनता है कानून के मुताबिक या नहीं बनता व्हाट्सो एवर लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं गुलशन टाउन के जो इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं कि उनके नंबर ज़्यादा हैं लिहाजा उनके अपने टाउन में सीट्स नहीं हैं तो जिनके भी नंबर अच्छे थे गुलशन टाउन में उनको सीट्स मिल चुकी हैं लिहाजा आप जितने भी जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट और इसक्रूटनी के बाद अब जो है ऑफ़र ऑर्डर का सिलसिला भी जारी और सारी किया जा चुका है और इस चीज़ को यार मोहम्मद बलादी साहब ने पूरे तरीके से इंसाफ के साथ किया है और जितनी भी सीट्स हैं उनको इंसाफ के तकाजे के मुताबिक जो है वो दिया गया है तो यहाँ पर आ, मैं जो है डी ओ e. यार मोहम्मद बलादी साहब का शुक्रगुजार गुज़ार हूँ को उन्होंने जो है वो ईमानदारी के साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं आ, उनको जो है वो ऑफ़र ऑर्डर दिए हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एक फैक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही है और यह फैक न्यूज़ जो है वो गुलशन टाउन के कुछ ऐसे अनासर हैं जिनको तकलीफ़ है जो कि यकीनन जो है वो बहुत तकलीफ़ में मुबतला हैं वो उल्टी सीधी फैक न्यूज़ जो है वो फैला रहे हैं और ख़ास तौर से जो है किस्म के निजी टेलीविजन पर भी जो है वो फैक न्यूज़ जो है वो चलवाई जा रही हैं और किसी तरह से भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स के हक हाँ पर डाका डाले डाला जाए तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा ये सारी की सारी मिली भगत है गुलशन टाउन के कैंडिडेट्स की क्योंकि उनके इलाके में सीट्स की कमी है तो इसीलिए वो जो है वो जमशेद टाउन वालों के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और डी ओ साहब के खिलाफ भी उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं जबकि यार मोहम्मद बलादी साहब ईमान के साथ इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं अब तक जितने भी ऑफर ऑर्डर मिले हैं कैंडिडेट्स को वो बिल्कुल उनका राइट बनता है क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जमशेद टाउन की इलाके से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के स्कूलों में यकीनन उनके पहले अपॉइंटमेंट होने चाहिए उनको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी सी सी दी जानी चाहिए लिहाजा यहाँ पर गुलशन टाउन के कुछ ऐसे अनासिर हैं ऐसे व्यूवर्स हैं ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक निजी टेलीविजन पर जो है वो फैक न्यूज़ फैला रहे हैं ख़ास तो से जो है वो पर्टिकुलरली आप ख़ुद जो है वो ये न्यूज़ देख सकते हैं मैं आपके लिए ये न्यूज़ लाया हूँ जो कि बिल्कुल फैक है सरासर गलत है यार मोहम्मद बलादी साहब ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो ये गलत और झूठी खबरें जो है वो चलाई जा रही हैं क्योंकि वो इंसाफ के तकाज़े को पूरा कर रहे हैं और जो इलाके के कैंडिडेट्स साहब जिनकी जिनका हक है उनको सीट दे रहे हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो दूसरों को तकलीफ हो रही है और आप ये खबर खुद ही मुलायजा कर सकते हैं कि ये निजी टेलीविजन है जो कि सरासर गलत और फैक न्यूज चला रहा है, है वजी तालीम ने शिकायत पर डी ई शर्की से तफ्लात कर ली है वजी तालीम ने शिकायत मौसू होने पर डी ईओ से तफ्सलत हैं रवा हफ्ते इस की भर्तियों से मुलिकजलास बुलाने का भी इंदिया दे दिया है मजी जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजि जमाली से जी आजिज आदा कीजिएगा इस बारे जी देखिए सिंध में जो साठ हजार इस की भर्तियां हो रही हैं, जिनमें पी एस टी और जे एस सी इस है अब ये शिकायत मुख्तलफ अजला से मौसू हो रही थी वैसे लेकिन यहाँ कराची में जिला ईस्ट के डी ओ के खिलाफ डी ओ है यार मोहम्मद बाला भी इनके खिलाफ एक शिकायत मौसू हुई है वजीर तालीम को जिला ईस्ट के दो टाउन में गुलशन इकबाल और जमशेद टाउन में मेरिट के खिलाफ कुछ भर्तियां की गई हैं यानी जो टाउन में गुलशन टाउन से जमशेद टाउन जिन इस को भर्ती किया गया उसमें पचास मार्क्स और पचपन मार्क्स वाले तो भर्ती नहीं हुए लेकिन चालीस और पैंतालीस मार्क्स लेने वाले उम्मीदवार भर्ती हो गए हैं इस तरह की शिकायत है आ, कुछ इस खासतौर पर सेकेंडरी इस की भर्तियों में ये और जे एस इस जो है उनकी भर्तियों में ये मैरिट की खिलाफवर्जी हुई है वजीर तालीम ने इस शिकायत का नोटिस लिया है और सेक्रेटरी तालीम को आगाह किया है और उसको कहा है कि वो इसकी इंक्वायरी करके उनको रिपोर्ट दें और इसी हफ्ते जो इजलास होना है पूरे सिंध के डायरेक्टर्स और डी ओज का उसमें इस तरह की शिकायत का भी अजाला किया जाएगा वजी तालीम का कहना है कि ये तमाम भर्तियाँ मेरिट के बुनियाद पर हो रही हैं ठीक है बहुत शुक्रिया आज जैसा कि आपने मुलायदा फरमाया कि ये सरासर गलत और झूठी खबर है सिर्फ मसला यह है कि जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स जो हैं वो जमशेद टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं तो पहली प्रायोरिटी जो है वो जो बलादी साहब हैं यार मोहम्मद बलादी साहब वो जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स को दे रहे हैं और बिल्कुल सही दे रहे हैं क्योंकि ये 40 प्लस पॉलिसी का मामला है और 40 प्लस पॉलिसी से मुराद सबसे पहली प्रायोरिटी जो भी 40 प्लस हैं उनको जो है वो दी जा रही है और यकीनन ये बिल्कुल ठीक चीज़ है क्योंकि जो लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और बहुत से कैंडिडेट्स जो है उनको ऑफर ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं और तौर से जे के लिए जो है वो और पी दोनों के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो आने वाले दिनों में इन शाला उन्हें मिलेंगे तो लिहाजा आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह की अफरा तफरी है किस तरह की चीज़ें हैं एक डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स को देख नहीं पा रहे और उल्टी सीधी न्यूज़ चलवा रहे हैं निजी टेलीविजन को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह की फैक्ट न्यूज़ चलाते हैं तो लिहाजा उनको ये भी सोचना चाहिए कि पूरी बात को समझें पूरी बात को समझने के बाद जो है वो न्यूज़ को जो है वो टेलीविज़न पर आयर करें ये इतने प्रोफेशनल लोग हैं निजी टीवी वाले लेकिन फिर भी जो है वो आ, मैं समझता हूँ इनके पास बिल्कुल आ, जो है वो मीयारी ख़बरें नहीं होती क्योंकि मीरी ख़बरें जो है वो राहफ अ के प्लेटफॉर्म से आज मैंने आपको बताई क्योंकि मैंने जब ये निजी टेलीविजन के ऊपर न्यूज़ देखी जो कि पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करके चलवा रहे हैं और जो है वो किसी तरह से भी जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात जो है वो सीएम साहब तक पहुंची और सीएम साहब ने कहा कि जो है वो ये सीट जो है वो मेरिट पे दी जानी चाहिए तो मेरिट की बात तो बात की है पहले तो सबसे पहले जो हक है वो जमशेद टाउन वालों का है क्योंकि जमशेद टाउन वालों के कैंडिडेट्स यहाँ पर फोटी प्लस पॉलिसी के अंदर हैं और फोटी प्लस पॉलिसी यकीन सिंह गवर्नमेंट की तरफ से ही तय पाई थी तो लिहाजा सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलनी चाहिए लिहाजा पर्टिकुलरली किसी भी फैक्ट न्यूज़ पर हमें अमल नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर तो से जो है वो किसी भी मुद्दे को कोई छेड़ने के लिए तैयार नहीं है ख़ास ख़ासतौर तो से जब निजी टेलीविजन के रिपोर्टर साहब जो थे वो ये बोल रहे थे कि मेरिट पर दो जॉब दी जानी चाहिए और जो ख़ास तौर तो से ये बोला जा रहा था कि जो है वो पचपन नंबर वाले और जो है वो फिफ्टी नंबर वाले जो हैं वो वहाँ पर जो है वो आ, परेशान हैं जबकि फोर्टी और फोटी प्लस वालों को जॉब दी जा रही है तो भाई फोटी प्लस पॉलिसी है और जमशेद टाउन के डिस्ट्रिक्ट में जमशेद टाउन के डिस्ट्रिक्ट के लोगों का हक़ है तो बिल्कुल सही दी जा रही है अगर गुलशन टाउन में सीट्स होती क्योंकि सीट्स तो फिल हो गई हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स बिल्कुल फिल हो चुके हैं अभी आपका नसीब है कि भाई आपने नंबर ज़्यादा लिए लेकिन अब आपके जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है गुलशन गुलशन जो लगता है जो गुलशन टाउन है तो पर्टिकुलरली वहाँ पर जब सीट्स नहीं हैं तो पहली प्रायोरिटी तो जमशेद टाउन वालों की है क्योंकि उनका हक बनता है तो लिहाजा ये बिल्कुल सही है जो कि पर्टिकुलरली गलत तरीके से इसको बयान किया जा रहा है तो लिहाजा अब तक जो मैं समझता हूँ कि जो डी ई ओ यार मोहम्मद बालादी साहब हैं उन्होंने बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया है और जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनकी लीग की जो है वो बहुत आसान बनाई है उसकी वजह यही है कि वो पर्टिकुलरली जो है वो जो है वो ख़ास तौर से जो है वो उनका राइट है तो इसमें तकलीफ़ हो रही है गुलशन टाउन वालों को अब गुलशन टाउन वालों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो है वो ये राइट पहला जो राइट बनता है वो जमशेद टाउन वालों का बनता है इसी तरह बहुत से दूसरे डी ने भी बहुत अच्छा काम किया है लेकिन ये न्यूज़ थी जो है वो यार मोहम्मद बलादी साहब जो कि डी हैं ख़ास तौर से जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स जो है वो उनको अपॉइंट किया जा रहा है उनका प्रोसेस चल रहा है तो इसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के अपने तमाम नाजरीन को जो है वो आगाह करूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि इंसाफ के तकाज़े अगर कोई पूरे कर रहा होता है तो उसमें भी जो है वो रुकावटें डाली जाती हैं और उस उसको गलत तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ निजी टेलीविजन्स पर जो है वो नशर करवाया जाता है तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है जिस पर मैं कंडम करता हूँ मजम्मत करता हूँ राह फला के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा अल्लाह निकेबान